प्रदेश में बीते 30 अक्टूबर को हुए तीन विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित कांग्रेस के तीनों विधायकों को आज शिमला में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने अपने चैम्बर में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन नवनिर्वाचित विधायकों में जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर, अर्की से संजय अवस्थी और फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित विधायकों का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इन तीन विधायकों के चयन के साथ विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि भाजपा के 43 विधायक हैं। इसके अलावा एक विधायक माकपा से और दो निर्दलीय हैं। विपिन सिंह परमार ने उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित विधायक आने वाले समय में विधानसभा में श्रेष्ठ चर्चाओं का हिस्सा बनेंगे। आज अगर पूरे इस विधानसभा के कुल 68 सदस्यों का आकलन किया जाए तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 43 निर्वाचित सदस्य हैं, ऑनरेबल एमएलए हैं। कांग्रेस के पास संख्या 22 है और सीपीआई के एक सदस्य श्री राकेश सिंघा जी हैं। निर्दलीय दो विधायक हैं, ऐसे कुल 68 संख्या बनती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये नए सदस्य ऑनरेबल मेंबर इलेक्ट होकर के आए हैं वो अपने इलाके के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर चिंतित रहेंगे और इस विधानसभा में श्रेष्ठ चर्चाओं का हिस्सा बनेंगे और हिमाचल प्रदेश शिखर की ओर बढ़े, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। नवनिर्वाचित तीनों विधायकों ने इस मौके पर मतदाताओं का आभार जताया और कहा कि वे जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी जनता जनार्दन का आभारी हूं, धन्यवादी हूं, जिनके आशीर्वाद से ये सफलता प्राप्त हुई और साथ ही साथ अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो निरंतर परिश्रम और संघर्ष पिछले 4 महीनों में किया है उसका ही परिणाम है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। 8 से 10 महीने जो है उस टेन्योर में शेष है तो सिर्फ एक चीज दिमाग में आती है कि काम बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो बस यही है, मतलब थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। प्राथमिकताओं में जो हमारी पुरानी स्कीमें हैं, पुरानी हमारी परियोजनाएं हैं, 2016-17 में सैंक्शनड ये परियोजनाएं थी, स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह और सुजान सिंह पठानिया इनके द्वारा सैंक्शन की हुई तकरीबन 4-5 स्कीमें ऐसी हैं जिनके ऊपर मतलब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है, जिसमें एक रे कॉलेज की बिल्डिंग है हमारी। अगर आप देखें, अगर हम ये मान के चलते हैं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है और भविष्य अगर रेंटेड अकोमोडेशन से अगर अपनी क्लासेस चला रहा है तो वो हमारे लिए काफ़ी मतलब नलायकी वाली बात है, तो उस बिल्डिंग का कार्य जो है वो चालू करवाना एक प्राथमिकता रहेगी। अगस्त माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया था और उसमें घोषणाएं करके आए थे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो जो घोषणाएं करके आए हैं उनको मैं पूरा करवाने का प्रयास करूंगा ताकि लोगों को उनका लाभ मिल सके। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में जो जो हमारे राजनेताओं का जो एक विश्वास, जो जनता का उनके ऊपर विश्वास होता है, एक विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो आम मतदाता को राजनेताओं के साथ जोड़े रहता है और उस विश्वास को कायम रखने का प्रयास के लिए मैं ये कोशिश करूंगा कि जो घोषणा करके आए हैं उनको वो पूरा करें। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कई अन्य कांग्रेस नेता तथा विधानसभा सचिव भी इस मौके पर मौजूद रहे।